हम रियासत की सरबुलंदी के लिए मजलूमों के साथ खड़े होंगे और हमेशा इंसाफ पर मबनी अदालत कायम करेंगे। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करता जिसको नुकसान पहुंचे। हमें खलील खालिद को हर हाल में जिंदान में रखना होगा। इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, ये आज हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये मंसूबा बहुत सों के लिए तकलीफ दे होगा। उस मंसूबे में और कौन शामिल था? खलील खालिद इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। खलील खालिद अगवा हो गया है। खलील खालिद साहब के जुर्म की एक ही सजा है और वो है फांसी। आपने खुद एतराफ किया था कि सबातीन को अगवा करने की जिम्मेदार आप खुद होंगी। अब हमें वेम्बरी की वफादारी पर शक हो रहा है। तौफीक पाशा के पास महमूद पाशा को कत्ल करने की कोई अहम वजह हो। किसी ने जानबूझकर गद्दारी की है तो गद्दारी की सजा मौत है।